भारतीय सभ्यता में इस चतुर्मास के पीरियड को, जब सावन अपनी चरम पे होते हैं, मॉनसून आ चुका होता है, ये ऐसा समय होता है जब हम बाहर से अपना फोकस भीतर की तरफ लाते हैं। इनफैक्ट पुराने समय में बहुत सारे ट्रैवलिंग मंक्स, साधु संन्यासी, इन 4 महीने जिनको हम चतुर्मास बोलते हैं, इन स्पेशल मंथ्स में दे यूज्ड टू स्टॉप एट वन लोकेशन। इस समय वे सारी बाहर की गतिविधियों को कम कर कर भीतर की गतिविधियों को देखने आते थे। संक्षेप में कहें तो ये बहुत ही उपयुक्त समय है अपने आचरण पे रिफ्लेक्ट करने का, अपने आचरण को सुधारने का, जो कि आज का विषय भी है हमारा। पिछली बार हमने बात की उपचार एक कुर्सी के समान है और इस कुर्सी की 4 टांगे हैं। पहली टांग आहार, जिस पे हमने पिछली बार बात की। इसकी दूसरी टांग आचार यानी आचरण, जिस पे हम आज बात करने वाले हैं। इसी कुर्सी उपचार रूपक कुर्सी की तीसरी टांग विचार, और इसी उपचार रूपक कुर्सी की चौथी टांग व्यवहार। अब इसमें से अगर एक भी कुर्सी की टांग को खींच लिया जाए या उसको कमजोर कर दिया जाए तो उपचार का बैलेंस बिगड़ जाएगा, उस पे बैठने वाले के लिए ये बहुत डेंजरस स्थिति बन जाएगी। विद दैट, आचार यानी आचरण पे आज कुछ बात करते हैं और कैसे ये हमारे उपचार में सहायक है। एक छोटी सी पहले बात करते हैं, इसमें मैं आपको आचरण के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आचरण का मतलब क्या होता है? आचरण से हमारा मतलब होता है हमारा चाल चलन, जो हमारे चरित्र का निर्माण करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम देखते हैं कई लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, ये उनके आचरण में होता है झूठ बोलना। किसी भी परिस्थिति में वे झूठ बोलते हैं, और बचपन से हमें सिखाया गया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये ठीक नहीं है। हमें लगा ये एक मॉरलिस्टिक बात है, हमें लगा कि इस एक बात का हमारे उपचार, हमारी सेहत से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले थोड़ा सा इस विषय पर बात करते हैं। तकरीबन 3 महीने पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ तिहाड़ जेल ने हमें आमंत्रित किया उनके इनमेट्स के साथ, कॉन्विक्ट इनमेट्स के साथ 3 दिन का मेडिटेशन कैंप करने के लिए। तो आई पर्सनली वेंट टू तिहाड़ जेल फॉर 3 डेज टू कंडक्ट दिस मेडिटेशन प्रोग्राम विद दी कॉन्विक्ट्स। कॉन्विक्ट्स वो लोग होते हैं जिनका केस सॉल्व हो चुका होता है, जिनको कानूनन अपराधी करार कर दिया जाता है और उनको एक सजा दे दी जाती है। इनको कॉन्विक्ट बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। तो एक कॉन्विक्ट की टोली दी गई हमें टू वर्क ऑन, ये आई थिंक अप्रैल महीने की बात है। इंटरेस्टिंगली, इन कॉन्विक्ट में ज्यादातर जो कॉन्विक्ट हमें मिले, देवर अबाउट 50 पीपल, ये ज्यादातर मर्डर कॉन्विक्ट थे, जो 15, 14, 11, 12 साल से जेल में थे। हम तो निरंतर सीखते रहते हैं, सभी से सीखते हैं। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व की बहुत सारे कॉन्विक्ट्स के भीतर, कि उनमें इमोशंस बहुत कम थे। जब उन्होंने द सेड क्राइम, जो भी उन्होंने क्राइम किया उस समय, उस क्राइम को करते हुए उनमें कुछ खास इमोशन नहीं था। एक जोश आया, एक कुछ आया ऐसा, और उन्होंने वो क्राइम कर दिया। बट कहीं पे उनके जहन में, उनके ब्रेन में, उनके मस्तिष्क में जो एक सूझ की गतिविधि जो चलती है हमारे ब्रेन में, कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, जैसा वो बैरोमीटर, वो मापदंड थोड़ा कम लगा मुझे उनके भीतर। तो इस पर थोड़ी और मैंने खोजबीन की, रिसर्च की, तो बड़े अद्भुत रिजल्ट्स निकल के आए। हम झूठ की बात कर रहे हैं, जब भी आप कोई अपने आचरण में छोटा मोटा झूठ बोलते हैं, धीरे धीरे ये झूठ बोलने की हमें आदत पड़ जाती है। हमें लगता है कि सहज है, इसमें क्या ही हो गया, मगर इससे बहुत कुछ हो रहा है हमारे शरीर के भीतर। लाई डिटेक्टर टेस्ट जो बना, पॉलीग्राफ, वो पूरा शरीर में जो चेंजेस आते हैं झूठ बोलने पर, उसी पे आधारित है। तो जब भी हम कोई छोटा मोटा झूठ बोलते हैं, ऑफकोर्स हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ती है, मगर इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है,
हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं अमगडला। ये अमगडला एक ऐसा सेंटर है ब्रेन के अंदर जो हमारे इमोशंस को गवर्न करता है। कब ज्यादा इमोशन चाहिए, कब कम इमोशन चाहिए को ये गवर्न करता है अमगडला। जैसे जैसे हम झूठ बोलते हैं छोटी छोटी चीजों पे या बड़ी बड़ी चीजों पे, उसका इम्पैक्ट इस अमगडला पे पड़ता है। और धीरे धीरे कांस्टेंट झूठ बोलने से ये अमगडला अपना निरंतर जो उसका नेचुरल फंक्शनिंग है ये डिस्टर्ब होने लगती है। कुछ वर्षों के झूठ बोलने के अभ्यास के बाद अमिगडाला की फंक्शनिंग इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि अब वो सही गलत इमोशंस को मापदंड करना ही भूल जाता है। अब उसको ये नहीं पता रहता कि किस सिचुएशन में कौन से इमोशन की जरूरत है। अमिगडाला डिस्टर्ब हो चुका है। धीरे धीरे ये व्यक्ति जिसको झूठ बोलने की आदत पड़ी है उसका शरीर और उसका मन डल होने लगता है। सही गलत का विचार करना बंद हो जाता है। हमें लगता है कि क्या हुआ, क्या ये इमोशनलेस हो गए लोग जिन्होंने ऐसे क्राइम किए हैं? और अगर इमोशनलेस हुए तो क्यों इमोशनलेस हुए? इसके जड़ में था उनका डेली का आचरण। अब ये झूठ बोलने को अगर हम फिजिकल एलिमेंट से देखें, जिन लोगों को भी बहुत स्ट्रेस रहता है, जिन लोगों को भी इनसोमनिया है, रात को सोने की बीमारी है, नींद नहीं आती है, आप जितना मर्जी उपचार कर लो, आप जितना मर्जी दवाई खा लो, ये ठीक नहीं होगा अगर आपने अपना आचरण नहीं सुधारा। और आचरण में क्या था जड़? इसकी झूठ बोलने की आदत। ये झूठ बोलने की आदत आपकी सेहत को खराब कर सकती है, आपके पूरे जीवन को खराब कर सकती है। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया तिहाड़ जेल के कुछ कॉन्वेंट्स, ये आचरण पे निर्धारित करता है, डिपेंड करता है। इसी आचरण का एक दूसरा पहलू लेता हूं जो अगेन अक्सर हमें देखने को मिलता है, एंगर इश्यूज। ये आचरण से रिलेटेड है। बहुत लोगों को बहुत चीजों पे गुस्सा आता है। सबसे पहले गुस्से का कारण क्या है? हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं जो इरिटेटेड रहते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं। इसका बेसिक कारण ये है कि कहीं जिंदगी से बहुत शिकायतें हैं, कहीं स्वयं से बहुत नाराजगी है, कहीं लोगों से बहुत शिकायतें हैं, जिसकी वजह से आपका आचरण गुस्से वाला या इरिटेटेड हो जाता है। अब देखें इसका इम्पैक्ट क्या है। हाँ, हम उपचार और सेहत की बात कर रहे हैं, याद दिला दूं। जैसे ही मैं गुस्से की परिस्थिति में आता हूं, हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये हम सब ने नोट किया, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ये हम सब जानते हैं। मगर कुछ अद्भुत रिसर्च हुई हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में, कुछ रिसर्च कोट करता हूं, गुस्से का प्रभाव क्या होता है। रिसर्च आई कि जो लोग गुस्सा करते हैं उन लोगों में गुस्से के 2 घंटे बाद हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। यानी गुस्सा कहीं ना कहीं, गुस्से का आचरण कहीं ना कहीं हमारे हार्ट की बीमारी से जुड़ा है। इसी तरह एक और रिसर्च में फाइंड आउट किया कि गुस्से के बाद 2 से 6 घंटे के बीच में स्ट्रोक के केसेस 3 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्ट्रोक के, जो ब्रेन में स्ट्रोक होता है। इसी के साथ एक और रिसर्च हुई कि गुस्से के किसी, आपने पास्ट में किसी पे गुस्सा किया हो, उस मोमेंट को याद करने से भी अगले 6 घंटे तक आपकी इम्यूनिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है। यू बिकम ससेप्टिबल टू गेट अटैक्ड बाय अ लॉट ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरियाज, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी लो हो गई 6 घंटे तक सिर्फ पास्ट के गुस्से का इंसिडेंस याद करके। हम गुस्से के आचरण की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों से मैं मिला जिन्होंने कहा कि लंग्स की प्रॉब्लम डेवलप हो गई है और हमने आज तक सिगरेट नहीं पी। आपको लगा सिर्फ लंग्स की प्रॉब्लम सिगरेट पीने से होती है, गलत हवा लेने से होती है, प्रदूषित वायु लेने से होती है। बहुत सारी रिसर्चेस ने यह भी प्रूफ कर दिया कि गुस्से का आचरण डायरेक्टली आपकी लंग हेल्थ से जुड़ा है। जी हाँ, ये भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मैं रिपोर्ट्स कोट कर रहा हूँ आपको। फिर एक और अद्भुत रिसर्च हुई जिसने बताया, ये आपने अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा,
किसी भी परिस्थिति में इट टेक्स अबाउट, साइंटिफिकली टेक्स अबाउट जस्ट 3 सेकेंड्स फॉर यू टू गेट एंग्री। सिर्फ 3 सेकेंड लगते हैं आपको गुस्सा हो जाने में, और इस गुस्से की परिस्थिति से बाहर आने में आपको कम से कम 30 मिनट लगते हैं। कम से कम आप 30 मिनट से पहले इससे बाहर नहीं आ सकते एक बार ये चढ़ गया तो। और जैसा मैंने पहले बोला, इसका इम्पैक्ट 6 घंटे तक आपके खून में रहेगा, आपके ब्लड में रहेगा, और आपकी इम्यूनिटी अगले 6 घंटे तक कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब बहुत सारे मित्र मिलते हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर्स हैं, एक्जिमा जैसे इश्यूज हैं स्किन के ऊपर, ड्राइनेस ऑफ स्किन है, इरिटेटेड स्किन है, एंग्जाइटी बहुत रहती है, फिर रात को नींद नहीं आती। एक ये मैंने अपने बहुत करीबी रिश्तेदार में देखा, ये बहुत इरिटेटेड रहते थे, अभी नहीं है पृथ्वी पे, ये बहुत इरिटेटेड रहते थे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते थे, और 40 साल से मैं उनको देखा, वो रोज नींद की 1-2 गोली खा के सोते थे, फिर भी नींद नहीं आती थी। रीजन, ये दवा काम क्यों नहीं कर रही है? हैवी डोज ऑफ मेडिकेशन इज ऑल्सो नॉट वर्किंग ऑन दिस पर्सन। व्हाई? क्योंकि आचरण में इरिटेटेडनेस और गुस्सा था, इस वजह से नींद की बहुत प्रॉब्लम थी। नींद, उनको आज तक ये समझ नहीं आई बात कि नींद ना आने का कारण उनके आचरण से रिलेटेड है। उनको ब्लड प्रेशर था, वो 40 साल तक ब्लड प्रेशर की दवाई खाते रहे, कभी कंट्रोल नहीं हुआ ब्लड प्रेशर। दवा, एलोपैथी दवा खाने के बाद भी, क्योंकि सिर्फ दवा कुछ करेगी नहीं आपका, जब तक ये जो 4 पिलर्स ही हमने बात की, जब तक आप गहरे में इस पे काम नहीं करेंगे। मैं जानता हूं आज हमारे पास समय कुछ कम है आज की इस एपिसोड में। क्विकली आचरण के एक और पहलू की बात करते हैं, फिर हम डॉक्टर अवधेश पांडे से उनके थॉट्स, उनके इनपुट्स समझेंगे। बट एक और बात करते हैं इससे, सॉरी आचरण की। ये तीसरा एग्जाम्पल भी मैं इसलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि ये भी हम में से बहुत लोगों में देखने को मिलता है, तो मैं कॉमन आचरण की प्रैक्टिसेस को पिक करके आपके साथ साझा कर रहा हूँ। थर्ड एग्जाम्पल, भय, डर, फियर। पहले रीजन क्या है, हमारे भीतर क्यों डर है, लोग क्या कहेंगे, कल क्या होगा, ये बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मूल रूप से हर भय का कारण है कि कहीं आपको जीवन पे, स्वयं पे, इस प्रकृति पे ट्रस्ट नहीं है। जिस व्यक्ति को भी ट्रस्ट नहीं होगा उसके भीतर भय होगा। तो भय इज इक्वल टू नो ट्रस्ट इन योर ओन एबिलिटी, इन ईश्वर, इन प्रकृति। या सो दैट्स द अंडरलाइनिंग स्टेटमेंट। अब थोड़ी सी बात फियर की करते हैं, ये भी आचरण से रिलेटेड है। कई लोगों के आचरण में देखने को मिलता है कि फियर हैज बिकम देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके चरित्र का एक हिस्सा बन चुका है डर, उनके आचरण का एक हिस्सा बन चुका है डर, वो डर में जीते हैं। अब ये डर क्या करता है हमारे साथ? ऑफ कोर्स आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मली बड़ा रहेगा, आपका हार्ट रेट नॉर्मली बड़ा रहेगा। एक्चुअली डर के मोमेंट में क्या होता है, आपका जो खून का प्रवाह है वो आपके हृदय से हट के आपके अंगों में जाता है, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा बनाया कि डर के समय या तो आपको लड़ना होगा या भागना होगा, और लड़ने और भागने के लिए आपको आपके लिम्स यानी हाथ पांव में ज्यादा ऊर्जा चाहिए। इसीलिए आपके हृदय से निकल के, आपके आपके हार्ट से निकल के सारी ब्लड का फ्लो इन हिस्सों में चला जाता है। छोटी सी परिस्थिति में डर तो ठीक है, समझ में आता है, प्रकृति ने हमें दिया बचाव के लिए, मगर आजकल ये डर हमारे आचरण का हिस्सा बन चुका है। यहाँ आश्रम में मैंने देखा कई मित्र आके मिलते हैं, जैसे ही ऑफिस में बॉस का फोन आता है उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है। और याद रखें, अब ये लोग ऑफिस में 8 से 10 घंटे काम कर रहे हैं, एक ऐसे एनवायरमेंट में जहां डर ही डर है, ये व्यक्ति 8 से 10 घंटे डर के जोन में जी रहा है, इसके हार्ट की क्या स्थिति होगी, इसके ब्लड की क्या स्थिति होगी, इसके ब्लड में कितना टॉक्सिक रिलीज हो रहा होगा। घर में, दफ्तर में, स्कूल में, कॉलेज में, सड़क पे चलते हुए, सोशल मीडिया पे, हम सब जगह डर से घिरते जा रहे हैं। आचरण, कभी आपने ऐसा भी नोट किया होगा, बहुत से बहुत समझदार लोग अगर
भगवान ना करे रोड पे एक्सीडेंट हुआ, ये व्यक्ति गिर गया, गिरते ही भय उत्पन्न हुआ। अब ये बहुत समझदार व्यक्ति भी उस समय ठीक डिसीजन नहीं ले पाता कि क्या करूं, किसको फोन करूं, उठ के साइड में बैठूं, फोन कहाँ है, इसको कुछ होश नहीं रहता, जबकि उसको शायद कुछ चोट भी ना लगी हो, मगर भय ने उसके माइंड को क्लाउडेड कर दिया। भय की स्थिति में यह व्यक्ति कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, या द माइंड हैज बिकम क्लाउडेड। एक भय का और इशू, क्योंकि प्रकृति ने भय दिया अपने बचाव के लिए, मगर हम तो 24 घंटे अब भय में जी रहे हैं। जब हमें भय दिया गया प्रकृति ने बचाव के लिए और लिम्ब्स में ऊर्जा दी गई, तो प्रकृति क्या करती है, आपका शरीर क्या करता है उस समय भय की स्थिति में, एडिशनल ग्लूकोस, एडिशनल शुगर रिलीज करता है आपके ब्लड स्ट्रीम में, ताकि आपके लिम्ब्स को ऊर्जा मिले, शुगर आपको ऊर्जा दे रहा है। बट इफ द फियर हैज बिकम योर कैरेक्टरिस्टिक्स, और इफ फॉर सम रीजन यू आर लिविंग इन फियर मोस्ट ऑफ द टाइम, आपके ब्लड में शुगर का फ्लो हमेशा ज्यादा बना रहेगा। अब आप जितनी मर्जी दवा खाएं, वो दवा किसी तरह से आपकी शुगर को थोड़े समय के लिए तो दबा देगा, बट वो आपकी शुगर को ठीक नहीं करेगा, संतुलित नहीं कर पाएगा, क्योंकि मूल रूप से आपके आचरण में भय है और भय आपके शरीर को कमांड कर रहा है टू रिलीज मोर ब्लड ग्लूकोस इन योर ब्लड स्ट्रीम। ये एक बहुत बड़ा रीजन है डायबिटीज होने का। जितना सोसाइटी में भय बढ़ेगा, उतना डायबिटीज जैसे लाइफस्टाइल डिसीजेस बढ़ते जाएंगे। डॉक्टर अवधेश पांडे इस विषय के एक्सपर्ट हैं। अपनी बात खत्म करने से पहले, बहुत सारे मित्र, मेरे कुछ दोस्त हैं जो गैस्ट्रो डॉक्टर्स हैं, कभी मैं उनके साथ बैठता हूँ तो देखता हूँ बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, आईबीएस जैसे इश्यूज हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और सदियों से दवा खा रहे हैं, एलोपैथी मेडिसिन खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा, किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहा। रीजन, जब भी आपके आचरण में भय होगा, योर डाइजेस्टिव सिस्टम विल बी टोटली आउट ऑफ सिंक, योर थिंकिंग पैटर्न्स विल बी आउट ऑफ सिंक, आईबीएस जैसी बीमारियां, एंजाइटी जैसी बीमारियां, और लॉन्ग टर्म में मेमोरी लॉस और ब्रेन से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां घर करने लगेंगी। हमें लगा कि ये सिर्फ किसी शायद विटामिन की कमी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बट एक्चुअली ये आचरण की सुधार की वजह से हुआ, आचरण में और सुधार न होने की वजह से हो रहा है। सो जब तक मैं अपने आचरण में इन चीजों पे फोकस करके इनमें सुधार नहीं करूंगा, उपचार नहीं होगा, तो आचरण आपके उपचार के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विषय है।